नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है चुटकियों में उड़ा दोगे आप लोग, और इस तरह के क्वेश्चन हर चैप्टर में पूछे जा रहे हैं, तो देखिए क्या टेक्निक है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि आपको ये वैल्यू दी गई है और मतलब ये वैल्यू दी गई है और ये 2 के बराबर है, तो sec थीटा का मान क्या होगा, ये आपके ऑप्शन है। कैसे करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले जो टेक्निक है वो पहले सिखा देता हूं। सुनो, आपने बचपन से एक फॉर्मूला स्टडी किया होगा, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, और क्या होता है, ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, डन। अब मैंने क्या किया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, यस 1 होता है, ये मेरे को सर्व समी का पता है, ठीक है, क्लास 10 में आपने पढ़ी होगी। अब देखो इसको मैंने कैसे लिखा, क्योंकि देखो sec थीटा का काम a कर रहा है, tan थीटा का काम b कर रहा है, तो इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता, तो इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते, sec थीटा प्लस tan थीटा, और इधर क्या आएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और इक्वल टू कितना है, 1। अब बात को जरा समझना, प्लस वाले और माइनस वाले का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सपोज अगर आपको इसकी वैल्यू 2 दी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2, ताकि 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आ जाए, 1 आ जाए, कितना आ जाए, 1 आ जाए। फिर से अगर इसकी वैल्यू 17 दी है, तो इसकी वैल्यू 1/17 होगी, यानी कि उल्टी होगी, ताकि मल्टीप्लिकेशन कितना आए, 1 आए। बस इतनी बात अगर आप समझ गए, तो इसका आंसर आप चुटकी में निकाल दोगे। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो मेरे भाई, यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया है, तो कुछ नहीं करना, ये प्लस में दिया है, तो आपको काय में लिखना है, माइनस में लिखना, sec थीटा माइनस tan थीटा, ओके जी। अब यहाँ पर 2 है, तो 2 का उल्टा लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है, आपको हल करना आता ही है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2 sec थीटा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट, और ये 2 + 1/2, तो ये कितना हो गया, 5/2 हो गया, और यहाँ पर क्या चल रहा है, 2 sec थीटा, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो sec थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/4, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5/4। आसान लगा, ट्रिक समझ में आई, चलिए और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, मजा आ जाएगा, पूरी वीडियो को देखना अंत तक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जो टेक्निक आपको बताई वही इसमें लगाना। देखो यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू इतना दिया है, एक नई चीज और बताऊंगा इसमें, देखो तो सबसे पहले प्लस में दिया, तो उसको क्या लिखोगे आप, माइनस में लिखोगे, sec थीटा माइनस tan थीटा, तो हमेशा उल्टा लिखना होता है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो आप उल्टा करके क्या लिख दोगे, माइनस का। एक चीज और याद रखनी है, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करें, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 1। तो यानी कि अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1, तो ये 1 आ रहा है, मतलब 1 के बराबर आ रहा है, ठीक। तो अब आप कुछ नहीं करना, आपको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड, तो इन दोनों को ऐड करोगे, तो ये तो कितना हो गया, 2 sec थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों ऐड होंगे, तो देखो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और ये माइनस का रूट थीटा, ये प्लस का रूट थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो sec थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2, तो 2 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली है, इसका स्क्वायर किया था मैंने कितना आया था, 4, इसका स्क्वायर किया था कितना आया था, 3, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज, यहाँ पर ये वाला जो नंबर है वो हमेशा बड़ा लेना है, और यहाँ पर ये वाला नंबर है ये हमेशा कैसा रहना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये वाला मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अगले क्वेश्चन में, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं, बिल्कुल वही ट्रिक के साथ, देखिए sec थीटा tan थीटा की वैल्यू इतनी दी गई है, तो देखो sec थीटा अपन को प्लस में दिया, तो अपन काय में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, tan इसका उल्टा लिखना है, 7 - 4 √3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 sec थीटा हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये वाला हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया, ये 7 × 7 = 14 हो गया, ये 7 बार में चला जाएगा, यानी कि 7, यानी कि आपको मिल जाएगा sec थीटा इक्वल टू 7 मिल जाएगा। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये क्या दिया, sec, और sec का उल्टा क्या होता है, cos होता है, और ये उसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा, cos थीटा बराबर 1/7 एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो एक ही लॉजिक है, सभी क्वेश्चन में अप्लाई करना है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर देखो फिर से sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है, इतना दिया है, तो कुछ नहीं करना है, sec थीटा माइनस tan थीटा, बस। अब आप में एक गलती करोगे, क्या गलती करोगे, पहले सुनो, यहाँ पर क्या लिखा है, 2, और यहाँ पर कितना लिखा है, 5, 2 और 5, यानी कि यहाँ पर जो लिखा रहता है उसका डिफरेंस हमें ना कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा, 4, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ये 5, तो इसका अपन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, प्लस का बनाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले एक काम करेंगे, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, कहाँ लिख लेता हूँ, आगे, उसको कहाँ लिख लेता हूँ, पीछे, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो ये काय में दिया है, प्लस में दिया है, अब आपको लिखना काय में, माइनस में, ठीक है, इसका उल्टा करेंगे,
अंडर रूट 5 माइनस 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 sec थीटा, और ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया 2 रूट 5 हो गया। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो sec थीटा इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 स्पेस में आ गया हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये चीज यहां पर ध्यान देने वाली थी, इसको जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बड़े में से ही आपको क्या करना है, छोटा, ताकि उसका अंतर जो है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। समझ में? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां पर आपको cos sec थीटा माइनस cot थीटा दिया है इक्वल टू √7 / 2, तो आपको पता होना चाहिए कि cos sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ये भी कितना होता है 1। तो देखो फिर से वही नियम अप्लाई करना है, यहां पर प्लस में माइनस दिया तो आपको क्या लिखना है, प्लस में। तो देखो cos sec थीटा प्लस cot थीटा, राइट। तो इसका उल्टा करना है, 2 बटे क्या करना है 7। अब देखो ये cot से cot तो कैंसिल हो ही जाएगा, आपको क्या मिलेगा 2 cos sec थीटा मिलेगा। अब यहाँ पर कितना चल रहा है 7/2, और प्लस यहाँ पर कितना चल रहा है 2/7। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 14 आ जाएगा, 7 × 14 = 49 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 × 14 ये 2 = 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ओके जी। और ये आप ऐड कर लेंगे तो 53 हो जाएगा, और 53 अपॉन कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या चल रहा है 2 cos sec थीटा दिया है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 53/28। तो 53/28 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो कोई दम नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, और इस तरह के क्वेश्चन हर सेट पर पूछे जा रहे हैं। अब आपको बताता हूं नया कंसेप्ट। आइए अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट बताता हूं, सुनो। वैल्यू पुट करने वाला कंसेप्ट है। अगर आपको साइन थीटा दिया हो तो आपके उसके स्थान पर 0 रखना है, आपको कॉस थीटा दिया हो तो उसकी वैल्यू 1 रखना है, और अगर आपको टेन थीटा दिया हो तो वैल्यू कितनी रखनी है 0 रखनी है। कुल मिला के थीटा की वैल्यू आपको 0 कंसीडर करनी है, कितनी कंसीडर करनी है 0। और आपको पता ही होगा कि साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, और टेन 0 कितना होता है 1 होता है। बस तो ये रट लो अच्छी तरीके से, साइन थीटा देखे, कॉस थीटा देखे, टेन थीटा इस टर्म्स में दिया हो तो हमेशा साइन की वैल्यू 0 रखना है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 रखना है, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है 0। अब देखो चुटकी में आंसर आएगा आपका, ठीक है। हाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा भी होगा तो अरे भाई तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, और 0 का स्क्वायर करोगे तो वो तो 0 ही रहेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आ जाइए इधर आ जाइए, अब यहाँ पर कितना लगा है 2, यहाँ पर साइन थीटा है तो आपको कितना लिखना है 0, यहाँ पर कॉस थीटा है तो कितना लिखना है 1। अब 1 की पावर 6 करोगे तो 1 का गुणा 6 बार करोगे तो 6 ही वो 1 ही आएगा ना, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 3, और ये कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया 1, और यहाँ पर कितना दिया है प्लस का 1। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 2 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो गया आपका माइनस का 3 हो गया, और ये कितना है प्लस का 1, और ये कितना हो गया देखो 2 और 1 3 हो गया, और 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 0। तो 0 स्पेंस का क्या हो जाएगा उत्तर, तुरंत ही आपने आंसर दिया। बस एक चीज याद कर लेना अच्छे से कि साइन थीटा लिखे, साइन थीटा दिखे तो 0 लिखना है, कॉस थीटा लिखे तो 1 लिखना है, और टेन थीटा दिखे तो 0 लिखना है। कुल मिला के हमने थीटा की वैल्यू को कितना कंसिडर करके किया, इसको 0 डिग्री कंसिडर करके किया, कोई दिक्कत। इसी तरह के और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं, वही क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या दिया है कॉस, तो कॉस की वैल्यू कितनी रखनी है 1 0 1 0 प्लस यहां पर कितना है 1 0 1 0 डन, ये कितना हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1, और 1 और 1 कितना होता है 2, तो 2 इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर। तो इतना खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है 2, कोई दिक्कत। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आई इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं, सेम प्रोसेस। देखो यहां पर कितना दिखा है 1, यहां पर साइन है तो आपको क्या करना है 0 डन, ओके जी। यहां पर कितना है 10 है 0 1 0 प्लस 1 0 1 0, ठीक है ना। बस वैल्यू रटिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया 1 हो गया, ये तो 0 ही हो जाएगा ना इसमें मिलके। और इधर कितना बचा भाई, ये भी 1 और ये भी 1, और ये 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 इस प्रश्न का क्या हो गया उत्तर हो गया। तो किसी भी प्रकार क्वेश्चन आता है, अगर आपको वैल्यू याद है तुरंत आप आंसर निकालोगे, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर दिया है आपको 2 अंडर रूट में 2 प्लस 2 cos 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, यहां पर cos दिया है तो cos की वैल्यू मैंने आपको बता दी, क्या कंसीडर करनी है आपको 1 कंसीडर करनी है। तो अगर इसको आप 1 कंसीडर करते हो तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 आएगा, और 2 प्लस 2 कितना होता है 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 होगा। अब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 4 के ऊपर ही तो ये लगाया है ना अंडर रूट, तो इसका वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया 2, फिर से आपको बता रहा हूं cos थीटा वैल्यू आपने कितनी कंसीडर की 1, तो 1 का आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2, और 2 और 2 कितना होता है 4, 4 का अंडर रूट कितना होता है 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, और वो 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है डन। अब आइए तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 2। अब इधर आइए, आपके ऑप्शन है, अब इनमें से कौन सा सही है उसको कैसे पता लगाओगे। cos थीटा वैल्यू कितनी होती है 1, यहां पर देखो 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2, और 3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 3, और ये कितना हो गया 0। तो कौन सा ये वाला 2 किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बढ़ते अगले तरह के क्वेश्चन की तरफ।
आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपका टेन और कॉट आ गया, तो जब भी टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन आया, इस तरह कॉम्बिनेशन आया, तो आपको क्या करना है, अल्फा की जो वैल्यू है या थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी कंसिडर करनी है, 45। अगर 45 कैंसिल कंसिडर करते हो तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और कॉस थीटा की जगह क्या लिखना है, 1/√2, और टेन थीटा कितना लेना है आपको, 1। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा अंडर रूट टू, और ये क्या होता है, सेक थीटा अंडर रूट टू, और कॉट थीटा अंडर रूट 1। ठीक है, तो देखो ये रट लो अच्छी तरीके से कि जब भी आपको टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन दिया हो तो हमेशा आपको थीटा की वैल्यू कितनी कंसीडर करनी है, 45, यानी कि 45। अगर आप 45 लेके करोगे तो देखो कितनी जल्दी आंसर आएगा आपका। देखो अब यहाँ पर कितना दिया, 4, यहाँ पर कितना लिखा है, 1। ये टेन की वैल्यू कितनी लेनी है हमको, 1, तो 1 हो गया, प्लस यहाँ 1 1 1 प्लस 3। अब यहाँ पर क्या है, साइन, साइन की जगह हमको क्या रखना है, 1/√2 रखना है, 1/√2 रखना है, क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू कितनी कंसीडर की है, 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो 1/√2 रखोगे, लेकिन स्क्वायर भी तो लगा है भाई मेरे, तो कितना होगा, तो आपको पता है इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो कुल मिला के मैं लिख सकता हूँ इसको इस तरह से, ये 2 हो गया, ये भी तो 2 हो गया, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, 7 और 1 कितना हो गया, 8, 8/2, और 2 से कैंसिल हो गया 4, तो 4 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हलवा प्रश्न है, कुछ नहीं करना, ये वैल्यू रट मानना कि साइन थीटा दिखे, जब भी टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन दिखे, कॉट दिख जाए, तो आपको हमेशा कितनी लेनी है, थीटा की वैल्यू 45 लेनी है, कोई दिक्कत। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर से, वैसे ही करना। देखो यहां पर कितना, 1, यहां पर 10 और cot का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो आपको वही 45 मान के करना है, तो 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और ये sec की कितनी होती है, √2। ठीक है, ये 1 और ये कितना हो गया, 1, और ये कितना होता है, √2, तो ये कितना हो गया, 2+√2, और 2+ −√2। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, स्टार्टिंग में बताया था फॉर्मूला, a²-b², तो यानी कि a²-b² तो कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो गया, 2, तो 2 इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर। तो चुटकियों में उड़ाओगे, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया था, तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन ए को कॉट ए में इस रूप में लिखा जाता है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो देखो आपको पता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो जिनमें से भी इनको सॉल्व करने में √2 बनेगा, वही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आपको पता है, देखो अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो अंडर रूट में क्या है, 1+1/1, तो ये कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसमें करके देखोगे तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसमें करके देखो, देखो ये 1 और ये 1, अंडर रूट में कितना होगा, 1, और कॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट, यानी कि ये बन रहा है, तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हलवा प्रश्न आया था एग्जाम में, कुछ नहीं करना था, बस आप वैल्यू अच्छे से याद कर लेना कि अगर साइन और कॉट के फॉर्म में दिया हो तो आपको थीटा की वैल्यू हमेशा 45 कंसीडर करनी है, और अगर सिंपल फॉर्म में दिया है, जैसे अभी आपको बताया था स्टार्टिंग के सवाल, ठीक है, साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा दिया है, या फिर टेन थीटा दिया है, तो आपको 0 मान करना है किसी। तो आज की वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आया तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि कैसा वीडियो लगा, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो उसका भी मेरे को लिखकर बताना, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँ। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।